अभी हर्ष बाहर जान लग रहा था तो शौर्य बाय कर गया, किस कर लो तुम वापस में यार। नोएडा का ऐसा हो रहा मौसम, बस दिन तो होता ही नहीं ऐसा सही रहे यार, रात सही रहे। नवाड़ा है वही है भाई, सुबह 10 बजे उठ के देख कर क्या रहा है 4 बजे से जज रहे दिन को। 7 बजे किस टाइम उठा था चोरी है? मैं 11 बजे और सोया किस टाइम था? जब आप छोड़े गए थे उस टाइम, जब मैं चौथ गया था फिर तो नहीं उठता 11 बजे, झूठ बोल रहा है। अबे कौन था दानिश, बहुत अच्छा ही तो आदमी था। मैं पिछले एक महीने से इतना इग्नोर करता था, मैं दानिश जैन वाले मीम्स इतने इग्नोर करता था, क्योंकि भाई मैं भी वैसा आदमी हूँ नहीं जैसा मैं था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब पे हंसना या ये सब शेयर करना। पर ठीक है, मतलब बढ़िया भी मीम थे, मुझे तो अपने लिए तो मुझे क्या ही खराब लगेगा, जहाँ भी जाता हूँ लोग एक ही बात पूछते हैं। लेकिन यार जो भी मुझे कहना था, जो भी मुझे बताना था, मैंने वीडियो डाली मेन चैनल पे दानिश जैन वाली, तो देख लेना। बाकी ये वाली क्लिप जो थी ये तो मुझे सारी ज़िंदगी हॉन्ट करेगी, पता नहीं भाई इंटरनेट से कब गायब हो गया। मुझे प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी, वो मैं नहीं हूँ। तुम्हारी दादी का बक्सा खुल गया। कौन सी बीमारी नहीं है तुम्हारी दादी को? 2012-13 में जब दाढ़ी आई थी ना, उसके बाद से आज हो रहा है एक्सपेरिमेंट। बड़ा खतरनाक। बस ऐसा मत कर दियो कि मैं मुंह दिखाने लायक ना रहूँगा समाज में। कुकिंग ऑयल सब बज रही है आज तो, हेड मसाज मेरे सर पे, वो बना दो। वो क्या बनाया कर रहे हैं, फॉइल लगा के पिज्जा पुज्जा नूडल्स। ये हैं दो भाई, जितेंद्र धर्मेंद्र। कैसा लगा लुक भाई? बढ़िया है, वसूली भाई ये कमेंट करके बताओ। बताओ किसका फ्लैट खाली नहीं हो रहा, किसका करवाना, किसका कब्जा छुड़वाना किसका कब्जा छुड़वाऊँ? कितना करेगा भाई, 10 में से कितने नंबर देगा? 10 में से 8 और सौर्य भाई को तो 10 में से 100 दोनों भाई ऐसे गांव के ग्राम पंचायत सिसोली से सीधा पुरबालियान बॉयज बड़ोत के लड़के। शामली से 2 चाचा आ रहे, कुलदीप और प्रदीप। आज सबका रिएक्शन मतलब बहुत डिफरेंट होने वाला। अभी अभी दिखाता हूँ, अभी फ्लैट में सबसे पहले मिलेगा रे, रे का ही देखेंगे। अरे दादा क्या हो गया? लेकिन गांव के लड़के 180 में चले गए, 180 नहीं गांव में शेंकी शेंकी भैया। 2 दिन से जो भैया हैं क्लीनर हाउसकीपर वो आ नहीं रहे। ये चेक करें, पूरा किचन बाहर आ गया। और ये दिखा दिया तो एक बार गंडिया फट जाई हो जाएगा। जो पूरा भर रखा डस्टबिन में निकाल ली गया। अगर वो आज आज ओढ़ना आया तो आज तो चाय भी प्लेटों में पीनी पड़ेगी, वही बच रही है। और कल इतना स्विगी खा लिया कि बस अब फ्रूट सैलड करके है। क्या है ये रेस्टोरेंट? सैलड डेज। यहाँ से हमने तो मिक्स मंगा लिया, मंगा अपना फल फूल खाओ खत्म, कौन जाके लावे बाजार से। ए मुझे यहाँ छोड़ के ब्रांड प्रमोशन को केला। अरनू सोच रहे है मर जाएगी। अरसुन उसकी बहन ना हूँ, कल नहीं कह दे। अरसुन मेरठ से है। ये है हमारा भाई अभिषेक, इसे हम जो है ब्रांड प्रमोशन बिल्कुल लास्ट के मिनट में ये एडिट करवा रहे हैं। अभी जस्ट 5 मिनट पहले शूट करके लाए, एडिट करवा रहे। तो यूं कहे मुझे क्रेडिट नहीं देते, दे दिया क्रेडिट ऐसे चैनल पे रेट दिया जिसपे 20,000 व्यूज आ वो भी हम ही है। 5-5 बार तो हमें देखना पड़े अपने अलग अलग आईडी से। महीने में भैया 3 व्लॉग तो आता है, कौन देखेगा भाई? पिस्टल में तय दोली पड़े हैं। जितेंद्र धर्मेंद्र दोनों भाई चल लिए जिम को। मेरा फैशन कैसा लग रहा? बढ़िया है। नहीं सिर्फ एक अच्छा पहन लग और नीचे बंधन लग, पैंटी थोंग्स पीछे शेप भी निकल गया हुई तेरी। अरे उठ रहा है? अरे क्या हुआ रचित? रचित की प्लेटलेट डाउन हो गई थी। कल मैंने रचित को मैसेज करा, मैं कहा भाई उठ रहा क्या? सुबह से शाम तक कोई रिप्लाई नहीं। बात पता मुझे क्या कहनी थी? सुनियो, इसके हो रहा था बुखार में, का भाई पानी पीता रहिए उससे आराम लगेगा। तू क्यों लड़ा लड़ा रहा? सुन तो अपने भले की बात कर दी। पानी तो मैं वैसे भी रहा था। ले तेरे मुंह में देख, भलाई का जमाना नहीं है भाई। मैं तो बात करना चाहता हूं। मैसेज क्यों करे ऑडियो में? तो कैसे कहेगा पानी पीता रहता है। तेरे मुंह में कॉटन कैंडी करा इसने। वॉइसमेल भेज सके था, बहुत चिज्जे थी करने। वॉइसमेल मुझे तो भाग भाग। जब तू नहीं कदर कर रहा तो हम क्यों भेज दें वॉइसमेल? उठ रहा क्या हो गए?
मोबाइल भी छोड़ दो, वो जो इंटरकॉम रहना फिर एक दूसरे को बता है। अगर मेरा नाम होता हर्षिता तो उठरा रिप्लाई तो रहता है, उठरागा कॉल आता कॉल रहेगा। अरे मैसेज आया था, उठरा उठरा बताओ क्या काम है भाई। सच में लोंडो के रिप्लाई करता हूं, आलस तो आ गई बड़े लेवल का है आलस। सुबह सबके कॉल इग्नोर करूं मैं, जब मैं हल्की भी नींद में रहूं ना एक ही बार करूं, उठने के बाद मिलाऊं सबको लाइन से। मेरे पे तो जब भी किसी को कॉल करनी हो दो तीन बार मिलाया करो तब उठाऊंगा, क्योंकि एक बार में मेरा मन नहीं करता। चल दिया रे, तो ये शोरिया तो प्रोटीन लेके साइकिल चला दी। शोरिया बस शाम को दिखे मुझे जिम के लिए, पूरे दिन खावे आराम करे जिम जावे। कल जिम नहीं जाना था, कल भी नहीं आया। हैं बताओ, कल तो सो गया था रात में। हाँ रात में सो गया था। ये बारी बरसी भाई, कल तो उठा भी नहीं था। अरे वो वाली लाइट बंद कर दो, बाहर से सब दिखे अभी उसमें। ये वो भी तो ले लो यार, मेरे वो रह गया। तैयार अपना आवारागर्दीकरण को। क्या हो रहा है, टाइम 11:30 हो गए रात के, गाड़ी निकाल लेनी चाहिए। अभी जाऊंगा बाहर, मतलब एक बहुत तगड़ी चीज ही लिख रहे मैं और सीएम शर्मा मिलके। कभी भी आ सके, इस महीने आ सके, अगले महीने आ सके, कुछ भी हो सके। ओहो इस फ्लैट में क्या चल रहा है, मखाने वखाने आ रहे हैं घर से, छुपा के रखे जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं भैया, ऐसे तो नहीं, भाईचारा नहीं बनेगा भैया। 36 बिरादरी से बाहर निकलना पड़ेगा ऐसे तो। क्लीन शेव लड़कों के काम है। अभी जिम से आके मुझे याद आया कि मुझे पहले मल्टी विटामिन लेनी है अपनी। आजकल तुम्हारा भाई जो है इतना ध्यान रख रहा अपना कि मैंने ड्रग्स वगैरह तो सारे बंद कर रखे हैं। अब कुछ नहीं, मतलब लड़कीबाजी, ड्रग्स, ये सब बंद है। जिम चल रहा, मल्टी विटामिन चल रही, स्किन केयर चल रहा बस। किसी ने मुझे कहा था बहुत पहले ना, मैं एक अपने रूम में रेड जी बोतल रखा हुआ था प्लास्टिक की, कि प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीना चाहिए। तो फिर हमने कांच की बोतल ले आया। मैं तो अपनी बोतल पे मार्क सभी कर दिया, क्योंकि जिस पानी को मैं पी लूँ वो अमृत हो जाना, तो वो किसी के उसमें जाना नहीं चाहिए। और ये रही अपनी आयरन, आयरन और विटामिन सी, ओह सॉरी विटामिन बोल दिया, विटामिन, विटामिन सी। ये रही अपनी, ये नहीं बताने का क्या, ये तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है बॉडी के लिए। ये रही अपनी विटामिन D3, ये लगे मुझे सबसे सेक्सी कैप्सूल से। तो ये तेरी बहन का बनेगा, बनेगा, लगेगा। आ गया यहाँ था, देखो एब्स। अब अपनी बिना चार्ज्ड एप्पल वॉच पहनो, जो कि पिछले एक साल से चार्ज नहीं हुई। और ये मैं तुम्हें बता रहा था ना, उस दिन हम जब मुझे फंडा करते तो हर्ष ने एक बास्केटबॉल ली थी, वो बास्केटबॉल फिर गाड़ी में डाल के हम यहीं ले आए थे, तो वो आज तक अब तक मेरे रूम में ही पड़ी वो। हमें पता ही था कि वो बेकार का खर्चा है, और इसे साली को रूम में रख के रखो। लेकिन इससे ऐसा लगेगा कि जब रूम में पड़ी रहे ना, तो ऐसा लगेगा कि काफ़ी स्पोर्टी पर्सन है, तो इम्प्रेस हो जा लड़कियाँ। तेरे रूम में कौन सी लड़की आ रही है भाई, मैंने भी बता दो। वो जरा मैं अपना रूम क्लीन कर रहा था, तो ये थोड़ा बहुत सामान निकला, ये रखने आया हूँ। क्या खेला? अरे काम धंधा भी कर लिया अगर भाई तन्ने, तो पूरे दिन या तो बस हार्ड बनावे या अपना सोए। जो तूने खरीदा वो आधे तो वेस्ट ही हुए। हमारा भी था, हमारा दिखा दे बस, बाकी किसी को फेम नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा लग रहा है जोकर 1990 में खींचा हो, है नहीं वही पापा के पुराने दोस्त। यार इन फोटो में तो शक्ल भी पहचान में नहीं आती। हाँ ऐसे लोग जा, पता नहीं कब खींच गया था। मैं तो बहुत स्मार्ट लग रहा। अरे ये रैंडम से ही ठीक लगे। ये कहाँ मिल गए थे? ये सोड़ी पाजी इवेंट में। ये भी तो क्रिएटर ही है कोई है। हाँ और राज पाजी और राज फोटोग्राफी, ऐसे ही है। इनसे पूछ लेता कहाँ चले गए, इतने गायब हो गए थे। मैं सच में जैसे ही सुबह उठ के अपने आप को देखा ना शीशे में, हाँ मतलब दोपहर उठ के, तो ऐसा लगा जो कर दिल्ली पुलिस की भर्ती मारन जा रहा। ऐसे ही नहीं हो रहा, देखिए भाई भाई रिटर्न तो काट दूंगा फिजिकल की दिक्कत तो सारी। ये अभी पता नहीं तुम्हें, ये वो नहीं होता
कि इमरान खान ने गाने बना दिए थे और वे समझ में तेरे जैसों को 10 साल बाद आए थे। यो स्टाइल तुझे 10 साल बाद ही समझ में आओगा जब तेरी बंदी पूछा करेगी कौन है वे दो लड़के जिन्हें देखते ही एकदम रोंगटे खड़े हो जाओ मेरे। प्रदीप और प्रदीप और कुलदीप दो भाई है। कुलदीप तू है, मैं प्रदीप सतेंद्र देविंदर प्रमोद कुछ ही कहते तू, कोई टेंशन नहीं, प्यार से बुला रहे ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं। जगपाल हरपाल तू कुछ ही कहते ओनू येलो रंग सोना लगदा फुल सरसों के सुंगदी फिरे। इसे उधर उधर वाले हाथ को वो पेड़ बना दे जिसमे सब ना वो धागा बांध के जाके मनोकामना वाले देखा ये हाथ इसे पेड़ बना दो। भाई 12 बजे मेरा तो हो गया टाइम चलने का, 5 बजे गेट खोले सही हम क्या जा रहा चले हैं आ जा कुछ दो कहीं डंके लोगों में बैठ लिया कर। अरे हम निवार ड्रग्स व्रग्स करते हैं चलो अब तो सिर्फ शराब पिए। अच्छा अगर कोई यूं कहता है अब तो शराब छोड़ दी बस गुटखा खाऊं ये भी मतलब एक वो होगा कि अब वही होगा क्या बेटरमेंट में ही आई है। बेटरमेंट में कैसा है कि है तो टोबैको जब तक टोबैको और अल्कोहल ना छूट जाए। ओए भाई बियर छोड़ दी मोटापा उठावे इसलिए अब दारू शुरू कर दारू नहीं बियर छोड़ दी ज्यादा पी जा तो पेट भर आ जा। दारू भी बढ़ाती मोटापा बुना दारू मोटापा आपको कैसे पता नहीं दारू मोटा वही बताने लग रहा था दारू मोटापा नहीं बढ़ाती दो पैक तक। कौन बता रहा था दारू बता रही दारू वही है आई एम दारू ट्रस्ट मी ब्रो आई एम दारू। मुझे तो वो ठीक लगे अपना जॉइंट ठीक है थोड़ा हर्बल भी रहे प्रकृति के भी करीब रहो तो। बियर के साथ साथ एक और चीज है मैं भी मोटापा बढ़ा दूंगा तेरा क्या मैं तेरी घरवाली तू तो मेरा बढ़ाओ मैं तेरी घरवाली का मोटापा बढ़ा दूंगा। अरे बस अब तो लगी थी अब कम बैक तेरी दादी एक बार को मोटी होती आई थी ना 65 साल के बाद है मरी गली में बहुत घूमा कर रही थी वो एक दिन भी कांचू भाई कुछ पे जोक मार रहा मैं दादी वाला कह रहा हूँ भाई मेरी तो जिंदा तो मगर मरी हुई का गलत है जिंदा का तो ठीक है कौन सा तेरा बब्बा आ जाएगा ये मुझे आईडी पे बब्बा ने फेक आईडी बना के मैसेज करा वो तमीज में रहा साले लिप बाम तो छुपा के रखना पड़े जिस दिन भी वो दिख जाए बेइज्जती बहुत होए। साली किस्मत इतनी बेकार है पेट्रोल पंप आया था पेट्रोल भरवाने 12 बजे के 12 बजे थे वो मशीन चेक हो ये इससे बढ़िया तो अपना कहीं आग भरवा लेंगे मतलब उसने वो भी डाल दिया था इसमें तेल बढ़ने से क्या वो जो रहन का फिर एकदम मशीन में आ गया वो रिसेट करा रहा है वो रिसेट ही नहीं कह रहा भैया 12 बजे के। नोएडा का मौसम पिछले 2 दिन से इतना बढ़िया हो रखा आज तो मतलब पिछले 2 दिन तो घटा ही घटा रही बारिश भी हुई पर बिल्कुल भी धूप नहीं निकली और आज तो सुबह से ही बरसता रहा बस हल्का हल्का बढ़िया बढ़िया एकदम तो हो रहा मौसम एकदम बढ़िया बाहर घूमने लायक कितनी बार बढ़िया बोल दिया मैंने इस वीडियो में घूमने लायक अकेले हो रहा अकेले घूमो चाय पियो बाहर। और मैंने भी देखा कि साला चाय का ना बस एक वाहन ना हो बाहर जैसे ही मैं चाय ऑर्डर कर दूँ ना चाय तक जाने तक तो मजा है पीते हुए फिर मुझे कुछ मजा नहीं आता फिर बस वही है कि ठीक है आगे तो पी लो फटाफट। दिल्ली पुलिस रिपोर्टिंग सर। सहदेव आपके तत्पर। सहदेव कनॉट प्लेस की रिपोर्ट भेजे। सर ये नकुल ने भेजी रिपोर्ट ये आइए यहाँ पे तो छिनाला चल रहा है चलो चलो लेफ्ट लेना है लेफ्ट यहाँ से लेफ्ट लेना है तो मतलब हम सीधा जाएंगे राइट लेंगे फिर लेफ्ट लेना है हम सीधा जाएंगे सामने डिवाइडर भी है सर। अरे जो मुजरिम बैठा है इसको हिचकी क्यों आ रही है इतनी। अरे पकड़ा गया सही कानून याद कर रहा है पकड़ा गया सही टाइम पे आज जो पकड़ा है सर आपने इसको आज तो कोई ये तो कोई नहीं पकड़ सकता था आपने इसको चलते हुए पकड़ लिया गाड़ी से ये पैदल जा रहा था आप गाड़ी जा रहा था अपने गाड़ी से पीछे से पकड़ के ऐसे फेंक दिया पीछे ये बहुत ये आप कमांडो में थे क्या सर। मैं आपसे पिछले 4-5 बार से कुछ लिखने के लिए मिल रहा हूँ कॉपी खाली रह जाती है लिखते हम कुछ नहीं है बस ऐसे घूमते रहते हैं जो बड़े लोग होते हैं ना लोग घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं जो पैसे वाले लोग होते हैं ना उनको ऐसे वो लिखते कुछ नहीं करते लिखते कुछ नहीं है उनके किस्मत ऊपर वाले लिखता है उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ऊपर वाला लिखता है जो दिखता है। रात को 4 बजे ऐसी बातें करके भाई मुझे इमोशनल मत किया करो। साइड में लगाओ ये क्या कर रहा है इधर इसको गाड़ी बैठाओ पहले। अरे सर मुंह उतरा है सर छोड़ो चलो इसको छोड़ो यार ये तो भाई एक बार समय दिखा दो बस तुम
समय के हिसाब से चलते हैं भाई। टाइम दिखाना एक बार शौर्य, वो लिखा हुआ है। चलो ये तो अपना टाइम हो गया है भाई, पिसाची हम, लेट्स गो। आखिरी विश बताओ फटाफट अपनी सारी, रोड खत्म है आगे। चार मंगाई है भाई, टेंशन मत ले, सबके हिस्से में आ जाएगी भाई, ऐसे मत सोच, तेरा भाई गरीब है। मैंने कहा चाय गरम नहीं, ऐसी लिया हो, कहता भाई ऐसी आ रही है बस। कंटेंट भले ही महीने में एक डाल लें सीएम भाई, बट पैसा बहुत है। चाय रोज पीते, सांस लूज लेते, यही अफोर्ड कर पाते। सीएम भाई देख लो क्या दिन आ गए भाई, मजाक बना रहे हैं तुम्हारा आजकल लोग। भाई मेरा मजाक बना कि अगर चार लोग हंस रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पॉजिटिव मुझे फैलाना चाहता हूँ। और वैसे भी मैं झाट के बालों का भी का मैं तवज्जो देता नहीं हूँ तो। भाई रघु भाई देखना क्या बोल रहे भाई, भाई तभी इनके दवा बाल तोड़ की दवाइयाँ चलती है। लो लेकिन रघु भाई तुम्हारे पास एक बहुत तगड़ा कमबैक था, तुम ये बोल सकते हो भाई तेरे बारे में बोल रहे हैं। सुबह के 5 बजे पहला ड्रॉप ऑफ है हमारा, नहीं पहला तो हम सैयम को और रघु भाई को छोड़ा है, अब जा रहा शौर्य है, सतेंद्र भाई सतेंद्र भाई साहब जा रहे हैं। गुड नाइट है जी, गुड नाइट है जी, अब सोएंगे अपना सारे भाई, 12-1 बजे उठेंगे फिर पैसे कमाओगे। वैसे बढ़िया, अभी हमारा काम भी 12-1 बजे शुरू हो, फिर तब से रात को 2 बजे तक काम करे हम। मस्ती है मतलब 2 बजे तक तो काम ही चला, उसके बाद फर्जी जीएसटी का कागज बना के सरिया सप्लाई का काम है हमारा। अरे भाई ना बताओ किस दिन स्कोर पे काम ली जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि शौर्य और हम सब सेम सोसाइटी में ही रहे तो बढ़िया है, अब चला जाऊंगा। लेकिन पता अब भी मेरी गांड फटे एक चीज में, वो जो -2 में जाके गाड़ी खड़ी करनी पड़े है ना, वहाँ कोई आदमी नहीं दिखता, सब डर लगे मुझे। ऐसी आवाज है भाई? नहीं ऐसी तो नहीं आ, नहीं ऐसी को तो फीमेल आवाज को तो दिक्कत कर दूंगा। अब देखो ये पार्किंग है और यहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है, तो यहाँ से ना मुझे भाग के जाना पड़े ऐसे, सावित्री ना आ जाए जल्दी। मान लिया अगर वहां से भाग के आ रही हो और बस मेरे पास इतना टाइम हो कि बस फटाफट लिफ्ट खुले और मैं अपने फ्लोर पे जाऊँ। आज मैंने रजित को कहा था भाई गेट खुला छोड़ के सोइयो, देखते हैं। ये एक दिन तो आधे घंटे खड़ा रहना पड़ा मुझे, घंटे बजाता रहा सब सो गए थे। मेरे रूम की तो हालत इतनी खस्ता था, इसका वो कवर सा था वो कहीं खो गया, गरीब सा फील हो जब भी इसकी तरफ को देखूं। अब सो जाओ, सुबह उठ के यैबिंग भी तो करनी कि मैं तो 12 बजे सो गया था।